हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आईसी इंजन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछते हैं। आप मैकेनिकल इंजन कर रहे हो तो उसके अंदर आईसी इंजन का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर है कॉइल इग्निशन सिस्टम। जो पूरा का पूरा जो इग्निशन सिस्टम का जो टाइप्स है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, आई गेस 10 मार्क्स का आता है। तो उसका जो और 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन नहीं आया तो कॉइल इग्निशन सिस्टम के अंदर जो ब्लास्ट रेजिस्टर होता है तो उसका जो पर्टिकुलर उसका जो पर्टिकुलर वर्किंग है और जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम होता है उसका वर्किंग, वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछते हैं। इसका मतलब यही है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम के अंदर कंपलसरी माना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल का भी पार्ट उसके अंदर आता है। ठीक है, कॉइल है मतलब उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग वहाँ पे होगी। तो ये सब चीज़ों का जो मिश्रण है, ये सब चीज़ों का जो एक पर्टिकुलर इच्चेनोरी पार्ट का जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में गाइज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉइल इग्निशन सिस्टम को आप बैटरी इग्निशन सिस्टम भी बोलते हो। तो ठीक है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, चालू होता है बैटरी से। बराबर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसके अंदर बैटरी, वहाँ पे होता है बैटरी होता है। तो बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल होता है तो उसको आप ग्राउंड कर देते हो। उसके अंदर क्या होता है, जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल होता है उसको आप ग्राउंड कर देते हो और उसके बाद जो पॉजिटिव टर्मिनल उसके अंदर आता है वो आगे टेक पार्ट करता है। तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया गाइस, बैटरी उसके अंदर आती है, तो इसको आप बैटरी इग्निशन सिस्टम भी वहाँ पे बोलते हो। ठीक है, तो बैटरी ले लिया, उसके नेगेटिव टर्मिनल कर दिया ग्राउंडेड और उसका पॉजिटिव टर्मिनल आगे जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, उसको रजिस्टर लगाया जाता है। तो आगे बताऊंगा आपको रजिस्टर लगाने का सबसे इम्पोर्टेंट इसके पीछे क्या है, तो मैं उसको आगे बताता हूँ। तो ये हो गया रजिस्टर, उसको ब्लास्ट रजिस्टर भी यहाँ पे बोलते हैं। तो ठीक है, कॉइल हो गया मतलब उसके अंदर होता है एक प्राइमरी वाइंडिंग और होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे एक वाइंडिंग बना लेता हूँ, उसके अंदर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, तो वो प्राइमरी वाइंडिंग इसके अंदर आती है, उसके ही अंदर होता है एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो उसका पार्ट मैं बाद में बताऊंगा। तो ये ब्लास्ट रजिस्टर लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हाई वोल्टेज अगर इसको लग गया वाइंडिंग को तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा उसके अंदर। बराबर है, तो ये जो ब्लास्ट होने का जो अवॉइड करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर लगाया जाता है। रजिस्टर क्या करता है, जो रिक्वायर्ड है ये गर्म हो जाएगा, ये गर्म होने के बाद बर्न होने की बहुत ही संभावना उस जगह पे होती है। तो ये बर्न हो जाएगा उसके अंदर रजिस्टर लगाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लास्ट रजिस्टर। ब्लास्ट रजिस्टर वहाँ पे लगाते हैं तो वो क्या करेगा, एक रिक्वायर्ड वाइंडिंग को गर्म होने से रोकेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या होता है, पहला बैटरी, दूसरा ब्लास्ट रजिस्टर हो गया, तीसरा हो गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग। सो अभी इसके बाद ये जो सिस्टम है वो जो नेक्स्ट क्या होता है मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये ब्रेकर सर्किट की तरफ वहाँ पे नेक्स्ट कहाँ पे जाएगी, ब्रेकर सर्किट की तरफ वहाँ पे वो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ब्रेकर सर्किट बना लेता हूँ। ब्रेकर सर्किट आपको पता है क्या गाइस, अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे उसका एप्लीकेशन वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो ये ब्रेकर सर्किट के अंदर गया तो उसके अंदर क्या होता है, जब भी आप ब्रेकर सर्किट के बारे में पढ़ोगे बराबर है, तब उसके अंदर क्या होता है, एक स्विच टाइप मैकेनिज्म होता है, पिवोटेड वहाँ पे एक आर्म होता है वो उसको ऑन ऑफ करने का वहाँ पे काम करता है। उसका एक टर्न जाएगा यहाँ पे, एक क्या होता है, एक यहाँ पे एक मेटल का एक आर्म होता है, समझ में आ रही बात, यहाँ पे होता है एक मेटल का आर्म यहाँ पे होता है। तो ये क्या हो गया मेरा ब्रेकर, ब्रेकर CIRCUIT ये हो गया मेरा ब्रेकर सर्किट। सो ये ब्रेकर सर्किट की तरफ जाएगा और एक आर्म जाएगा आपका कंडेंसर की तरफ, आप इसको कंडेंसर भी बोल सकते हो। ये क्या हो गया यहाँ पे कंडेंसर,
और कैपेसिटर भी आप इसको बोल सकते हो। तो कंडेंसर की तरफ जाएगा पहला आर्म, तो कंडेंसर की तरफ जाएगा, फिर सेकंड आर्म जाएगा आपका जो ब्रेकर सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सॉरी जो मैकेनिकल और जो मैकेनिकल वहाँ पे मूवमेंट वहाँ पे होता है, तो उसको मेटल आर्म की तरफ आपका एक एंड यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बनाओ, आप इसको ऐसे बनाओ, डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे होता है एक पीवोटेट जो यहाँ पे उसको टच करता जाएगा, तो यहाँ पे उसका पीवोटेट वहाँ पे एक आर्म होता है। और पीवोटेड आर्म का मतलब क्या होता है गाइस, वो ऊपर नीचे होगा, तो ऊपर नीचे होने के बाद उसका जो ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, सो ये ऐसा एक पर्टिकुलर वहाँ पे पीवोटेड आर्म उसके अंदर दिखाई देगा। आई होप अभी आपको इसका पर्टिकुलर जो है टचेबल थिंग वो आपको दिखाई दे रहेगी। तो इसके अंदर होता है एक कैम, पीवोटेड आर्म के पास होता है गाइस एक कैम, तो ये काम करेगा उसको ऊपर नीचे करने का, वहाँ पे उसको काम करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। तो अभी कंडेंसर है, उसके बाद इसका कंडेंसर को एक ग्राउंडेड कर दिया जाता है और इसको वहाँ पे टच कर दिया जाता है। कंडेंसर क्या करता है, एनर्जी को और स्टोर करता है, बराबर है, स्टोर करने का काम वहाँ पे होता है। तो अभी उसको चालू करते हैं मैकेनिज्म। तो बैटरी को ग्राउंडेड कर दिया, निगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल आगे गया, फिर वो बला रजिस्टर के अंदर गया, फिर वो गया वहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो उसके अंदर क्या होता है, एक सॉफ्ट कोर आयन होता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा आपको दूसरे मार्कर से बताता हूँ, इसके अंदर होता है गाइज एक सॉफ्ट कोर आयन, सॉफ्ट कोर आपको इसके अंदर एक मिलेगा, बराबर है, सॉफ्ट कोर आयन उसके अंदर आपको मिलेगा, सॉफ्ट कोर आयन उसके अंदर आपका उसको पैकिंग किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या होता है, तो चला गया उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो गया गाइस, तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होना चालू हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, ये जो यहाँ पे कैम है, ये क्या है गाइस, मेरा कैम है, ये क्या है, पीवोटेड आर्म, ये मेरा पीवोटेड आर्म हो गया, ये हो गया मेरा कैम। ये सब चीजें कहाँ कहाँ पे है आपको दिखाई दे रही होगी, बराबर है। तो अभी क्या हो जाएगा, इसके अंदर करंट जाने के बाद अगर यहाँ पे टच नहीं है तो मतलब ये सप्लाई यहाँ पे नहीं जाएगा, बराबर है। अगर यहाँ पे अगर टच नहीं है तो ये सप्लाई इसको मिल पाएगा क्या, ब्रेकर सर्किट के पास नहीं मिल पाएगा। तो वो टाइम में क्या करेगा, ये जो सप्लाई है ये जाएगा टूवर्ड द कंडेंसर, समझ में आ गया। अगर ये अगर क्लोज है की, इसको की भी बोल सकते हैं, प्यूटर अगर इसको अटैच्ड है, तो यहाँ पे अच्छे से मैं बना लेता हूँ गाइस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो ये पिवोटेड आर्म है, पिवोटेड आर्म, अगर ये जो मेरा मेटल आर्म के पास कनेक्टेड अगर नहीं है तो ये करंट इसको नहीं मिल पाएगा, बराबर है। ये मेरा है कैम, करंट इसको नहीं मिल पाएगा, तो उसी टाइम के अंदर ये करंट जाएगा कंडेंसर की तरफ और कंडेंसर वहाँ पे चार्ज होने लगेगा, बराबर है। तो कंडेंसर चार्ज होने के बाद ये करंट, जब भी बैटरी का करंट कम हो जाएगा तो ये कंडेंसर फिर सर्किट को रन करेगा, समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात क्या है, जब ये पिवोटेड आर्म और मेटल आर्म एक दूसरे को अगर कनेक्टेड नहीं है तो करंट इसके अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ये वे से जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये वे से करंट इसके अंदर नहीं जा पाएगा, बराबर है। तो क्या करेगा, ये टाइम के अंदर ये जो कंडेंसर है वो चार्ज होना चालू हो जाएगा वहां पे, बराबर है। तो कंडेंसर चार्ज होना चालू हो जाएगा तो कंडेंसर के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी फिर एज अ बैटरी का काम करेगी और उसके अंदर एक रिवर्स करंट वहां पे फ्लो हो जाएगा। तो ये रिवर्स करंट फ्लो होने के बाद, जो रिवर्स करंट है फ्लो होने के बाद, ये रिवर्स करंट जाएगा आपके सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी बताना चाहता हूँ, तो जब भी प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं 200 से लेके 300 तक, बट जब भी सेकेंडरी वाइंडिंग का वहाँ पे टर्न नंबर ऑफ टर्न देखे जाते हैं
तो 21,000 से लेके 20,000 तक उसका टर्न होता है। 2100 और 21,000 से लेके 20,000 से लेके 21,000 तक उसका नंबर ऑफ टर्न्स वहाँ पे होता है। ये समझ में आ गए प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स वहाँ के, या इसका ऐसा बोल सकते हो प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू दी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो क्या करेगा, जो कंडेंसर के अंदर का जो करंट है वो रिवर्स फ्लो होने के बाद इसके अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो सेकेंडरी वाइंडिंग इसके अंदर है तो ये करंट उसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी नेक्स्ट क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये इतना चीज़ नोट डाउन कर लिया, नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो अभी नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, तो ये करंट जाएगा अभी डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट की तरफ। ये करंट जाएगा मेरा अभी जो कंडेंसर का जो स्टोर हुआ एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटर सेकेंडरी वाइंडिंग से होके डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट की तरफ वहां पे मूव करेगा। तो इसके अंदर एक सर्कुलर मूवमेंट वाला एक आर्म रहेगा गाइस, और इसके अंदर यहाँ पे मैं मानता हूँ कि वहाँ के अंदर 3 सिलेंडर का वहाँ पे एक इंजन है, बराबर है। नंबर ऑफ सिलेंडर का इंजन होता है, 3 सिलेंडर हो गया, 4 सिलेंडर हो गया, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 सिलेंडर का इंजन। तो ये क्या करेगा, घूमेगा, और घूमने के बाद जब ये सेकेंड सिलेंडर के जो स्पार्क प्लग है इसको नंबर ऑफ स्पार्क प्लग वहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं, बराबर है। स्पार्क प्लग उसके अंदर कनेक्टेड रहेंगे, तो स्पार्क प्लग यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोड होता है, तो ये स्पार्क प्लग यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के जो नंबर ऑफ सिलेंडर है तो इच एंड एवरी सिलेंडर का एक पर्टिकुलर सिलेंडर वहाँ पे होता है, पर्टिकुलर एक स्पार्क प्लग वहाँ पे होता है। तो तब तक मैं इसको ये कर लेता हूँ, तो ये हो गए मेरे स्पार्क प्लग। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि 30 सिलेंडर का वहाँ पे इंजिन है, तो जब भी ये आर्म रोटेटेड आर्म अगर दो के सामने गया तो इसके अंदर का गैप है वो आयोनाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सेकेंड नंबर का जो स्पार्क प्लग है वो स्पार्किंग देना वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आयोनाइज, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड का जो यहाँ पे गैप है वो आयोनाइज हो जाएगा और वो स्पार्क देना वहाँ पे स्टार्ट कर देगा। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे रोटेट वाला आर्म है वो 1 के सामने आ जाएगा, फिर वो 3 के सामने आ जाएगा। सो वो नंबर ऑफ पैटर्न का जो स्पार्किंग है नंबर ऑफ सिलेंडर के अंदर वो वहाँ पे टेक पार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आज का ये वीडियो कॉइल इग्निशन सिस्टम का जो वीडियो है वो आपको समझ में आया रहेगा। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें पिवोटेड आर्म, कैम, ये सब चीज़ें आपको एग्जाम के अंदर वहाँ पे दिखानी होती है। तो मेटल आर्म, सो कंडेंसर का क्या वर्क है, जब भी मेटल आर्म और पिवोटेड आर्म एक दूसरे के अंदर कनेक्टेड नहीं होते, जब भी सर्किट ओपन हो जाता है तो कंडेंसर वहाँ पे चार्ज हो जाएगा। तो कंडेंसर चार्ज होने का सबसे इम्पोर्टेंट फायदा क्या है, जब भी बैटरी करंट देना बंद कर देगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, तो ये कंडेंसर सेकेंडरी वाइंडिंग को जो हाई वोल्टेज करंट है वो देना चालू कर देगा, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर, क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है सर्किट, उसको वो करंट देना चालू कर देगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट क्या कर देगा, वो करंट को नंबर ऑफ सिलेंडर से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और इसके वो सिलेंडर के अंदर एक टाइम पे एक सिलेंडर के अंदर वहाँ पे स्पार्किंग टेक पार्ट हो जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखो। थोड़ा अगर गड़बड़ है, अगर कोई थोड़ा डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है तो उसके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसा ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ। तो बाय बाय गाइस, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।